दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं वीडियोकॉन का LCD टीवी रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यह जो LCD टीवी आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब हम इसको चला रहे हैं ये बंद हो रहा है और फिर यह ऑन होता है फिर बंद हो जाता है। इसमें पावर कभी आ रही है और पावर कभी जा रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर यही दिक्कत आ रही है। तो आज दोस्तों मैं आपको इसी को ठीक करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों किसी भी LED या LCD टीवी में इसका मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, इसका पैनल, बैकलाइट, इन्वर्टर कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और किसी भी LED टीवी को हम रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं इसकी पावर सप्लाई से। तो सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई को चेक करेंगे और यह चेक करेंगे कि जितनी वोल्टेज इसकी पावर सप्लाई में दी हुई है क्या उतनी वोल्टेज यह इसके मदरबोर्ड में डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप नोटेशन में देख सकते हैं कि यह LED टीवी बिल्कुल सही वोल्टेज इसके मदरबोर्ड में दे रहा है जितनी इसकी नोटेशन में दिखा रखी है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है और यह ऑप्टिमम वोल्टेज की जितनी वोल्टेज इसको मदरबोर्ड में डिलीवर करनी चाहिए उतनी वोल्टेज ये डिलीवर कर रही है। अब दोस्तों हम इसका मदरबोर्ड चेक करते हैं। दोस्तों आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 4 1177 SMD वोल्टेज कंट्रोलर IC लगी हुई है जिनका मेन काम होता है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट करती हैं। यह दरअसल 1.8, 2.5, 3.3 और 5 वोल्टेज आउटपुट करती हैं। आप इनके रजिस्टर को वेरी करके इनके आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप इतनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको केवल R2 और R1 दो रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करना है और आप कोई भी वोल्टेज जो मैंने बताई उतनी वोल्टेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमने यह देखिए चेक कर लिया है कि यह SMD IC बिल्कुल सही ऑप्टिमम वोल्टेज जितनी इनको देनी चाहिए उतनी है डिलीवर कर रही है। तो दोस्तों हमारा मदरबोर्ड भी ठीक वर्क कर रहा है और हमारा पावर सप्लाई भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन हमारा टीवी वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभार दोस्तों यह होता है कि हमारे मदरबोर्ड में मॉइस्चर चला जाता है या इसके कोई कनेक्शन शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि हमारी पिन कोई शॉर्ट हो जाती है और कभी जुड़ जाती है और हमारे LED LCD टीवी में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो उसके अंदर इस तरीके की दिक्कत आने लग जाती है। दोस्तों हमने इसके अंदर हॉट एयर गन का उपयोग किया है ताकि इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर हो तो वह उड़ जाए और अगर इसका कोई कनेक्शन लूज हो रहा हो तो वह भी सही हो जाए।
तो दोस्तों हमने इसके पूरे मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के ऊपर अपनी हॉट गन को एक बार चला दिया और दोस्तों कमाल की बात ये हुई कि हमारा एलसीडी टीवी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर गया। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो या तो इसके कोई मॉइस्चर था जिसकी वजह से कोई दो पिन शॉर्ट हो गई थी, या फिर जो प्रॉब्लम थी वो इसके लूज कनेक्शन की थी। और जैसे ही हमने हॉट गन का उपयोग किया तो हमारा एलसीडी टीवी बिल्कुल सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप इसके लिए इसको धूप में सुखा सकते हैं और आपकी यह प्रॉब्लम धूप में सुखा कर भी, जो दोस्तों हमने यहाँ हॉट गन का उपयोग किया है, अगर आप चाहें तो आप इसको धूप में रखकर भी सुखा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।